पुर्तगालियों ने भारत में 1556 ईस्वी में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी की थी। तो अब अगर कभी प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित हुई, तो गोवा में हुई थी। अगर बात की जाए इसके बाद आने वाले अंग्रेज़ों की, तो इसके बाद है भारत में आने वाले डच। ठीक है, तो डचों की महत्वपूर्ण कोठियों की अगर बात करें तो एक थी मुसलीपट्टनम में, 1605 में इसको बनाया था। एक पुलिकट में थी, 1610 में इसकी स्थापना की। 1616 में सूरत को कोठी बनाया और 1614 में विल्लीपट्टनम को। 1653 में लगभग चिनसुरा को इन्होंने अपनी कोठी बना लिया था, और 1658 में नागपट्टनम को, और कोचीन को 1663 में इन्होंने अपनी कोठी बनाया। कासिम बाज़ार भी डचों की कोठी रही है, और कूड़ा नगर भी, पटना और बालसोर भी इन्हीं की कोठियों में शामिल रहे हैं। पुर्तगालियों के बाद जो है डच लोग भारत में आए थे। भारत में प्रथम डच जो था वो, इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। 1569 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच यात्री जो था कार्नेलिस हाउटमैन था। भारत में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड की स्थापना 20 मार्च 1602 ईस्वी को हुई। एक राजकीय घोषणा के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। भारत में अपना पहला कारखाना डचों ने 1605 में मुसलीपट्टनम में खोला था। यही काम का प्रश्न है, मुसलीपट्टनम। डचों ने पुलिकट में स्थापित अपनी दूसरी डच फैक्ट्री का निर्माण गोल्डिया में किया था। यहाँ पर डच लोग अपने स्वर्ण सिक्के पेगोड़ा को ढाला करते थे। पुलिकट को डचों ने अपनी समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। भारत में डचों का अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी में अंग्रेजों एवं डचों के बीच हुए वेदरा के युद्ध में हुआ था। तो प्रश्न बनेगा, वेदरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो डच और अंग्रेजों के बीच। वेदरा के युद्ध में अंग्रेज जो सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव ने इनका नेतृत्व किया था। तो जाहिर सी बात है, रॉबर्ट क्लाइव के सामने डचों को हारना ही था। इसके बाद करते हैं अंग्रेजों का भारत में आगमन। ये काफ़ी शानदार चीज़ थी कि अंग्रेज भारत में आए और किस प्रकार से इन्होंने भारत को जीता। तो बात करते हैं 31 दिसंबर के समय की। तो 1600 ईस्वी के लगभग में 31 दिसंबर का समय था, 1600 ईस्वी थी। इंग्लैंड में एक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी और इसकी स्थापना हुई। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को तत्संबंधी एक अधिकार पत्र भी दिया और कहा कि आप जाके भारत में व्यापार कर सकते हो। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआती दौर में लगभग 217 साझेदार थे, और इसमें महारानी एलिजाबेथ भी एक साझेदार के रूप में थी।